ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पिंजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको मतलब कुछ समझ नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। बाकी गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको जो उसका सॉल्यूशन है वो मैं दे दूं, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा कि गाइस अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो। बाकी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी गाइस, अगर आपको मतलब कुछ ज्यादा अगर अर्जेंट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आकर मेरे से बात कर लेना। आपका इंस्टाग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी मैं आपके जो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सबको सबसे पहले तो गाइस जिस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस, आपको करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को जो है मतलब क्या बोले मॉडल गाइड करना है। एंड गाइस, आप चाहो तो इस तरीके से आप मतलब कि बैठ के फोटो क्लिक करवा लेना, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप उसको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना, फिर बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा है मैंने मॉडल का, तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखा सकता कि कैसे किया। तो बाकी अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो अभी गाइस, पहले तो मैं इसमें ऐड करेंगे हम चेयर का एक पीएनजी, ठीक है, जो कि आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको कहीं चेयर पर बैठ के फोटो क्लिक करवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका भाई आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, जो चेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आप यहाँ पे अभी डन नहीं करना, आपको जाना ऐड फोटो में। यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। तो जो इस मॉडल का जो मैंने बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा था, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड करूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड आपको ध्यान से मतलब कि एकदम मॉडल को जो अच्छे से लगाना है, क्योंकि जो डबल रोल वाली फोटो होती है ना किसी के साथ जब ऐड करते हैं तो गाइस उसमें जो है काफ़ी मतलब स्टेप जो है हमें बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं, नहीं तो क्या है कि फोटो जो अगर फेक लगने लग गए तो यार फिर तो बस हो गया है ना। तो आपको जो है ध्यान से देखना है एंड अच्छे से लगाना है, ठीक है, टाइम देके, क्योंकि जो फोटोज होती हैं वो वैसे ही काफ़ी हार्ड होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप इसमें से बनानी शेडो, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, ब्लैक कलर की शीट ऐड करेंगे। एंड इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको फुल स्क्रीन करना है पहले, एंड इसको कर देना आपको मूव डाउन, ठीक है, इसको मूव डाउन कर देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मतलब गाइस आपको टैब नहीं करना, देखिए गाइस मैंने गलती से टैब कर दिया तो अभी पीछे चला गया ना, तो आपको जो टैब नहीं करना, ठीक है। तो पहले आप मैं इसको सबको फ्रंट पे ले आता हूँ, फिर उसके बाद मैं पहले वो बैकग्राउंड को ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बैक करते हैं एंड इसको भी ले जाते हैं एंड यहाँ से बैक एंड इसको लेते हैं। फिर अब इसको गाइस हमें सबसे एंड में ले जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टैब नहीं करना, आपको जाना है इरेजर टूल में डायरेक्ट, ठीक है, इसको प्रेस करके रखना है, फिर जाना है इरेजर टूल में, फिर आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज जो आपको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है, मतलब कि आप जितना शेडो बनाना चाहते हो उतना ही रखना है। जैसे गाइस यहाँ पर आपको फिर ऐसे सिंपल तरीके से पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से शेडो एंड इस तरीके से शेडो बनाना है। एंड गाइस मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से आता है ना शेडो बनाना तो आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। मैटर क्या करता है, मैं चाहिए शेडो, ठीक है, बाकी आप किस तरीके से बनाते हो वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो आपको जो शेडो बनाना है बस, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बनाओ, बस शेडो होनी चाहिए। फिर अगर जब आप शेडो वगैरह बना लोगे तब उसके बाद क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है। जो ओपेसिटी यहाँ पे आपको उसको कम रखना है, ठीक है, ज़्यादा रहती तो गाइस जो फोटो जो है फेक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब मत रखना ओपेसिटी उसकी। फिर देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ही मतलब शेडो जो है ज़्यादा फेक लग रही, तो अब इसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का इरेज कर लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे जो आप इसकी ओपेसिटी कम करके हम थोड़ा इरेज करेंगे, तो उसके हम ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको भी कुछ इस टाइप से शेडो बनानी है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एंड आपको फोटो को कर देना है डन, ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी काम है अभी तो इसमें हो चुका है, बट अभी थोड़े काम रह जाते हैं हमारे, तो उसके लिए करेंगे अब इसको हम डन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो आपको एक विग्नेट का पीएनजी ऐड करना है, तो उसका जो लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो अब हम ऐसे ऐड फोटो में चलते हैं, यहाँ से इसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो इसको हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको जो है फुल स्क्रीन करके ऐसे करके ऐड कर देना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर आपको लगता है कि इसकी जो ब्राइटनेस मतलब ओपेसिटी ज़्यादा है तो आपको उसको ना जूम कर लेना थोड़ा और, एंड उसके बाद आपको फिर कर देना है डन। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया। अब इसको हम जो यहाँ पे सेव कर लेंगे, इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि इसे बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो फिर गाइस क्या करना है, आपको लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, आपको जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आपको उसको इंक्रीज करना है। एंड जो गाइस ये हाईलाइट है, आपको जो इसका हाईलाइट यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे हल्का सा इसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड जो व्हाइट है इसको भी इसको यहाँ पे हल्का सा इसको भी इंक्रीज कर देना है। जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा सा माइनस की तरफ रख देना है। फिर उसके बाद जाना आपको कलर्स में, आपको कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में जो टेम्परेचर है उसको हल्का सा कम करना है ताकि फोटो में हल्की फुल्की ब्लू टोन आ जाए। फिर जाना आपको मिक्स टूल में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको यहाँ पे कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना डार्क ब्लू में, अगर आपको फोटो में ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो उसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो आपको उसको थोड़ा सा कम कर लेना है। फिर जाना आपको पर्पल कलर में इसका सैचुरेशन माइनस करके एंड जाना आपको नीचे वाला टूल में,
फिर यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है आप सभी को, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज्यादा कम जो भी अपने हिसाब से देख लेना आप। फिर इसका जो आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जाना आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट रोडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रोडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो फाइनली है फोटो एकदम अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है। तो अगर ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।